congratulations to you for your song getting this top honor. How do you feel now? I mean it when I say, I'm not mincing words. क्योंकि एक हिंदी गीतकार ये उम्मीद नहीं कर सकता कि उसको कभी ऑस्कर मिलेगा, है ना? क्योंकि हिंदी गीत की जगह नहीं है वहाँ. मैं तो उस कॉम्पोजिशन की वजह से हुआ जो रहमान साहब ने की, है ना, उसकी उम्मीद की जा सकती है. लेकिन ये कि हिंदी गीतकार को लिरिक्स के लिए मिलेगा, ये उम्मीद तो नहीं की जा सकती थी. लेकिन ये खुशी जरूर हुई कि उस कॉम्पोजिशन का हिस्सा बन गए जहाँ हमारा हिंदी का गीत भी शामिल हुआ. मैं उससे इनकार नहीं कर रहा हूँ. आप तो शायद ये अच्छा, मैं वो एक्टर्स की तरह से वो नहीं कर पा रहा हूँ खुशी का इजहार के मन बड़े उछल उछल के बोलूं. लेकिन ये सही है कि आप कोई भी शख्स जो हिंदी फिल्मों से जुड़ा हुआ है उसके लिए ऑस्कर अवार्ड मिलना या उस तक पहुंचना बहुत बड़ी बात है. उसके लिए खुशी की बात तो है. सिर्फ ये है कि मैं बहैसियत गीतकार के, हिंदी गीतकार के, ये उम्मीद नहीं करता था कि ये मेरी जिंदगी में हो सकता है. मैं अपनी डायरेक्शन में किसी फिल्म की उम्मीद कर सकता था, लेकिन गाने के लिए नहीं उम्मीद कर सकता था. वो एक अचंबा जिंदगी ने दिया और जिंदगी हैरत में डालती है हर बार. This is the moment for India, absolutely. And you have worked. And I'm happy that my countrymen, my people are sharing it with me. मैं खुशी कि लोग मेरे साथ उसी तरह से शामिल हैं इस खुशी में. और ये कि रहमान के गीत के दो अशखास हैं जिनका जिक्र जरूरी है कि इस कॉम्पोजिशन के पीछे एक तो गीतकार है जो मैं, और दूसरी एक सुखविंदर है. सुखविंदर की आवाज शामिल है. सुखविंदर का जिक्र कीजिए, मैं तो सुखविंदर के लिए भी बोलता हूँ. जय हो. Very nice. So one last question. You have worked with Rehman not many times before, and this obviously puts this association on another pedestal. Has it been a personal favorite of any of the Rajasthan? And this is general. It doesn't have to be general. Any song that is your personal favorite combination? Rehman के साथ तो मेरी बहुत से और combinations हैं जिनको मेरी बड़ी favorite रही हैं. ऐसा नहीं है, खास तौर पर दिल से के लिए. जिनसे हमें जिस तरह से किया चल छैया इस वन ऑफ देम. उसके अलावा अजनबी तू भी कभी आवाज़ देखे नहीं से इस